अरे इनकी, अरे इनकी की, अरे इनकी तो वही बात सुनिए, पाकिस्तान वालों की कठपुतली सरकारों की आदत हो गई है। पीछे 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 हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ठीक अर्नब, इनको वक्त बेवक्त खुजली होती है क्यों, और उसका इलाज हमारे पास है। क्या है उनके खुजली का इलाज? इनको किश्तों में डोज चाहिए था। हाँ, इनको किश्तों में डोज की आदत थी, अब इनको एक मुश्त देना पड़ेगा, फुल एंड फाइनल। बहुत को ये जो अमीन सादिक, ये आसमान से उतरे? आसमान बोलो, ये आसमान से उतरे? आसमान से बात करते हुए शुक्र करें, नरेंद्र मोदी इनकी लाशें देखना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं अरे ओ कि हर फौजी की लाश मिले। अरे अरे ओ सियासत कर सके। अरे ओ 56 इंच के पतलून पहनने वाले। बुरा न माने मगर आप पाकिस्तानियों की कोई आत्मसम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट वाली कोई चीज बाकी नहीं है। आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे। आप जरा ISI को फोन कीजिए और बोलिए हमारी धज्जियां उड़ रही है रिपब्लिक भारत पर, रिपब्लिक भारत पर अर्नब गोस्वामी हमारी धज्जियां उड़ा रहा है। आतंकवादी पाकिस्तान में, अर्नब गोस्वामी हमको कायर बोल रहा है। आप बोलिए पाकिस्तान के लोगों को, बोलिए अर्नब गोस्वामी पकड़ के मार रहा है। गफारी, मेजर का बैज नहीं होता, मेजर रैंक होता है, पहले बात ये सुनो। गफारी गफारी तुसी निकाह करोगे मेजर के साथ? अजीब है यार, आप बताए ना क्या ओरिजिनल मेजर है, आप बता दे। ओ यार मैंने सुनो गफारी, आप बता दे गफारी, मैंने तुम्हें अपनी बेगम नहीं बनाना है। आज से जावेद गफारी कभी आपसे बात करने के पहले प्रिपेयर करके आएगा। देखो गफारी की हालत बुरी होगी। नहीं नहीं, ये इसको पहले बंद करो, इसको नहीं सुशील, इसको पहले बंद करो। ये चैट 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 ऐसे बात करता है। ठीक से बात करो यार, ठीक से बात करो यार। एक बड़ी फनी बात है, ठीक ये कैसे बात करता है? इसके ये कैसे बात करता है? आवाज इतनी ऊंची क्यों, गंभीर आवाज में ठहराव के साथ ठीक से बात करो। बिल्कुल अर्नब, हाँ कॉमेडी सर्कस से निकले हो तो अर्नब, मैं तुम्हें टॉलरेट नहीं कर पा रहा। अरे तुम घर में भी ऐसी बात करते हो, चैं 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 चैना चैना चैना, मेरी बात कैमरा बात आ जाएगा बिना वीजा के। ये चैना भाई इतना मुंह मत डाल, कैमरा के अंदर इंडिया में आ जाएगा, रिपब्लिक के स्टूडियो में आ जाओ। पीछे हट के बात करो थोड़ा सा, ये तब से चैना 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 चैना। बिल्कुल ये फ्रेम है अर्नब, ये फ्रेम है, फ्रेम के अंदर मुंह डाल के बात कर रहे हैं, हालत खराब हो गई है। अरे इरिटेट के थोड़ा सा, आई मेरे पीछे 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 हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ठीक से अकमर, इसको जरा बोलो, इसने 2 रुपए दिए ना, 2 रुपए देकर इसने ट्रक भेजी, ट्रक को हमने इधर, तुमने ट्रक भेजा, पैसे बचा के 3 दिन तुमने रोटी नहीं खाई, ट्रक भेजा और देखा और फिर सोचा कि ट्रक कुछ करेगा, हमने ट्रक उड़ा दिया। एक यहाँ पे बहकी बहकी बातें कर रहा है कि मेजर गौरव आर्या मेजर नहीं, अरे मेजर नहीं तो और क्या है, और कोई और बहकी बहकी बातें बोले जा रहा है। लगता है ये लोग रम का घूंट टिका के आए हैं, बहुत ही आज ये अपने आप को कार्टून नेटवर्क साबित कर रहे हैं, सब के सब रम का घूंट लगा के आए हैं, जो कि बैंड है पाकिस्तान में, वो जो कि बैंड है पाकिस्तान में, वो ये लोग आज रम का घूंट लगा के आए हैं, बहकी बहकी घूंट सह नहीं पा रहे बेचारे, पीते कभी कभी है ना, आज खत्म कर दी पाकिस्तानियों को। चीमा 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 चीमा, नहीं गौरव आर्या, गौरव आर्या चीमा बहुत दुखी है, आतंकवाद चला रहा, चीमा बहुत दुखी है। गौरव सारे पैसे लगाए थे इस ट्रक में इसने, कश्मीरी दुखी है, सारे पैसे लगाए थे इस ट्रक में। चल चीमा तू आ जा अपने साइकिल में, अपने ट्रक को ले जा। What? आप लोग ना देखो, एक तो एक आप कहते हो चेणा, एक आप कहते हो जसूस,
और नरेंद्र कहते हो रा, वो रॉ है एजेंसी का नाम, मुल्क का नाम चाइना है, वो जासूस होता है। अर्णव गोस्वामी ने पाकिस्तानी पत्रकारों की ऐसी धुलाई की है कि वह जिंदगी भर याद रखेंगे और अर्णव गोस्वामी के शो में आने से पहले 10 बार सोचेंगे। रिपब्लिक भारत के डिबेट शो पूछता है भारत में चैनल के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी ने पाकिस्तानी पैनलिस्ट को खूब फटकार लगाई। डिबेट में उन्होंने इन पैनलिस्ट को किसी कॉमेडी सर्कस से आने वाला बताया। डिबेट में गोस्वामी ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनाव को प्रभावित करना चाहता है। अर्णव गोस्वामी ने पाकिस्तानी पैनलिस्ट जावेद गफ्फारी और कमर चीमा का मजाक बनाते हुए कहा कि उन्होंने भारत में आतंक फैलाने के लिए 10 रुपये, 2 रुपये और अन्य पाकिस्तानियों से 10-10 रुपयों का चंदा लिया था और इन पैसों से कश्मीर ट्रक भेजा गया था ताकि जम्मू कश्मीर में चुनाव ना हो सके। लेकिन हमारे भारतीय वीर जवानों ने पाकिस्तान के ये नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अरे ओ फिजा बात सुन मेरी, अर्णव के सामने सभी पाकी चुप ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। तो आगे देखते हैं पाकिस्तान की लेटेस्ट न्यूज क्या है, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। बची कुची पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की कमर कोरोना वायरस ने तोड़ कर रख दी है। इस बीच उसके सबसे बड़ा दाता सऊदी अरब और यूएई अपने कई बिलियन डॉलर के कर्ज को वापस मांग रहे हैं। वहीं पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन भी अब पाकिस्तान को कर्ज देने में आनाकानी कर रहा है। इस कारण थक हार कर इमरान खान ने अपने कर्जदाता देशों से कोरोना वायरस महामारी के खत्म होने तक कर्ज की किश्त चुकाने से छूट का अनुरोध किया है। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर किए गए बर्ताव से नाराज सऊदी अरब ने मई में ही अपने वित्तीय समर्थन को वापस ले लिया था। अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 साल के लिए 6.2 बिलियन डॉलर का वित्तीय पैकेज देने का ऐलान किया था। इसमें 3 बिलियन डॉलर की नगद सहायता शामिल थी, जबकि बाकी के पैसों की एवज में पाकिस्तान को तेल और गैस की सप्लाई की जानी थी। पाकिस्तान की एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किरकिरी हुई है। पहली बार पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव पर आधे से अधिक सदस्यों ने मतदान नहीं किया। दरअसल पाकिस्तान सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन इसमें इस्लामोफोबिया और धर्म विशेष के जिक्र की वजह से सर्वानुमति नहीं बन सकी। 51 देशों ने मतदान नहीं किया। जिन देशों ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को लेकर संयुक्त राष्ट्र में मतदान नहीं किया उनमें से अधिकांश अफ्रीकी देश और छोटे द्वीप देश थे। पाकिस्तान ने फिलीपींस के साथ मिलकर प्रस्ताव पेश किया है और इसे 90 मतों के साथ पारित किया गया।